अस्सलाम वालेकुम संजय, कैसे हैं? और कहना ये है कि मौसम एकदम दुबई का चेंज हो चुका है। रात 1 बजे से बारिश हो रही है और अभी काफ़ी तेज, इतनी तेज़ हो रही है कि बस पूछो मत। अच्छा, अभी तो तकरीबन 4:30 बज चुका है और कुछ ज़रूरी काम था, मजबूरन निकलना पड़ा। तो कहना ये है कि देखो, दुबई का जो क्लाइमेट है ना, वो भी उल्टा हो गया, ठीक है, और आगे चल के और भी होगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे इंडिया के में अभी क्या है कि गर्मी पड़ने लगी है, लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, और यहाँ अभी तक, ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि एसी चालू करने की ज़रूरत पड़े, ठंडा है। दूसरों को तो छोड़ो, मैं अपनी बता दूं कि मैं खुद जो है ठंडे पानी से नहीं नहा रहा इस वक्त, इतना ठंडा है। तो जो लोग कहते थे ना कि यार दुबई में बहुत गर्मी पड़ती है, अब काम करने में बाहर आउटडोर दिक्कत होगी, तो वो सब दिमाग से निकाल दो, वो पुरानी कहानी थी, ठीक है। अभी यहाँ का हिसाब किताब एकदम चेंज हो चुका है और आगे और भी चेंज होगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ठीक है। और अंदर काम करो बाहर काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडोर आउटडोर सब बराबर हो गया एक तरीके से। बारिश होती है तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, और लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो रास्ते वगैरह में पानी ज़्यादा भर जाता है, गाड़ियों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और ख़ास तौर से कुछ एरिया जैसे कि अलैन हो गया, फुजेरा हो गया, उम्मल कुइन हो गया, रासुल खेमा हो गया, ये सब एरिया ना पहाड़ी एरिया, पहाड़ है, तो वहाँ से जब पानी ऊपर से नीचे आता है ना, तो नीचे में जितने भी घर हैं, शॉप्स हैं, उनमें पानी भर जाता है, ठीक है, क्योंकि बारिश तो इन लोगों ने कभी पहले देखा नहीं था, बहुत कम होती थी, बाई चांस कभी कदार पानी निकलने का रास्ता बनाया नहीं था, ठीक है। तो अब जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो उन जगहों पे जहाँ पे डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ था वहाँ दिक्कत है। और जो नया इनका अभी जो एरिया बन रहा है ना, वो ऑलरेडी पानी निकलने का रास्ता बना रहे हैं, ठीक है अब। और यहाँ का मौसम देखो, दिन ब दिन ठंडा होता चला जाएगा अरब कंट्री का, ठीक है। और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं एक चीज़ बताऊँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कयामत की निशानियों में से हैं, उसी में से एक निशानी ये भी है कि आने वाले वक्त में अरब कंट्री हरा भरा हो जाएगा, ठीक है, बारिशें बहुत तेज़ी से होंगी, यहाँ पे भी खेती होने लगेगी, हरियाली है हो जाएगी, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। और इसराइल का जो फिलिस्तीन पे जो अभी हमला हो रहा है वो है, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ये सारी की सारी ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है, कयामत की निशानियों में से निशानी है। फिलहाल बारिश स्पीड पकड़ रही है, निकल रहा हूँ मैं, वरना मेरा मोबाइल ही ख़राब हो जाएगा। फिलहाल ये एक चीज़ थी आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया, ठीक है, चलें जल्दी से भागें सर, वरना मेरे मोबाइल में कहीं पानी अगर चला गया ना तो वाट लग जाएगी।